वेजिटेबल सूप्स और स्पाइस ड्रिंक्स को डेली डाइट में इंक्लूड करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी बॉडी हाइड्रेट बनी रहती है, डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन एंड फाइबर की सप्लाई होती है, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, वीकनेस दूर रहती है। बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ती है और घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इसको पीना भी पसंद करते हैं। बस इसको डेली बेसिस पे करने के लिए हमें कुछ स्पाइसेस को रेडी करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैं इंस्टेंट सूप एंड स्पाइस ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस को रेडी करने की टिप्स भी शेयर कर रही हूँ। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए घर में अवेलेबल कोई भी सब्जी, जैसे इस वक्त मेरे पास पत्ता गोभी, गाजर, लौकी, ड्रमस्टिक, पालक, टमाटर, कड़ी पत्ता, अदरक है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने बड़े टुकड़ों में इसको काट लिया है। अब मैं इसको कुकर में ऐड कर दूँगी और इसके बाद जो भी मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना चाहें वो पहले ही डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर काला नमक, भुना जीरा का यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए ये सूप बना रही हूँ। अब कुकर में आप करीब 3-4 सीटी ले लीजिए और सीटी आने के बाद जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, जब आप इसको खोल के छानेंगे तो छानने के लिए आप ऐसी छन्नी का उपयोग कीजिए जिसकी जाली मोटी हो ताकि मैक्सिमम फाइबर्स को आप यूटिलाइज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पे आटा छानने वाली छन्नी के साथ में जो सेट आता है इसमें सबसे बड़ी वाली जो होल वाली छन्नी है इसका मैं उपयोग कर रही हूँ और इसमें मैंने पूरे सूप को छाना है और दवा दवा के सूप को मैंने छान लिया है। तो केवल जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि ड्रम स्टिक की जो डंडियाँ हैं, पालक के डंडियाँ हैं, लौकी के बीज हैं और या जो टमाटर के छिक्कल हैं, इस तरीके के जो वेस्ट चीज़ें हैं ये सिर्फ इसमें ऊपर रह जाती है, बाकी पूरा फाइबर इसमें नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इंस्टेंट सूप बनके तैयार हो गया है और मसाले इसमें ऑलरेडी पूरे ऐड थे तो कुछ भी मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सूप आप विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को नींबू सूट नहीं करता है, जैसे जिन लोगों को इंटेस्टाइन अल्सर होते हैं, आंतों के छाले होते हैं या फिर किसी को सिट्रिक फूड की एलर्जी होती है, वो सूप को आप कंटेन कर सकते हैं, आराम से इसको पी सकते हैं। और अगर आप नींबू ऐड करना चाहें इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए, आपको नींबू सूट करता है तो आप इसमें नींबू को भी बाद में ऐड करके पी सकते हैं। इसी तरीके से और सूप भी आप बना सकते हैं। मेरे पास अगला उसमें मैं दिखा रही हूँ, जैसे मेरे पास लौकी अवेलेबल है, कद्दू है, टमाटर है, बीन्स है, कड़ी पत्ता है, आपके पास घर में कोई भी धनिया हो या कोई भी चीज़ हो इसी तरह आप काट के इसमें ऐड कर लीजिए। और फ्रेंड्स सेम मेथड से आप कोई भी सूप तैयार कर सकते हैं। बेस देने के लिए आप 1 टमाटर 1 पर्सन के हिसाब से यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट सूप का बेस बन के तैयार हो जाता है। फिर कोई भी वेजिटेबल आप उसमें ऐड कर दीजिए। सूप बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे घर में कुछ भी सब्जी अगर बच रही है तो वो सूप में यूज़ हो जाती है और बिल्कुल भी पता नहीं चलती है। जब सब सब्जियों के साथ ये मिक्स हो जाती है तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट पता नहीं चलता कि हमने क्या यूज़ किया है। तो आपकी सब्जियां पूरी यूटिलाइज होती रहती है, घर में बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती, आपको प्रॉपर फाइबर और न्यूट्रिशन भी मिलते रहते हैं। मैं इस सूप को मैक्सिमम मिड मील की तरह बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले करीब 11 बजे के आसपास मैं सूप को बनाती हूँ। तो मेरे बेटे की जो जूम मीटिंग्स है या हस्बैंड के जो वर्क फ्रॉम होम जितना भी काम चलता है उसमें बीच में एक एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में उन्हें ये सूप देती हूँ। मेरी बेटी भी इसको बहुत शौक से पीती है। इसके बाद मैं आगे टमी फिलर कुछ सूप्स बता रही हूँ जो कि आपके टमी को फुल करने के लिए और पेट को लाइट रखने के लिए काफ़ी काम आते हैं। मैं सबसे पहले इसमें किनोआ का सूप बता रही हूँ। किनोआ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आधा घंटा उसको पहले भिंगो देते हैं और भिंगोने के बाद आप इसमें कुकर में जीरा, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, जो भी आप मसाले ऐड करना चाहे वो ऐड कीजिए। फिर किनोआ को आप भून लीजिए जो आपने भिंगोया था और उसके बाद जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो सूप के लिए उनको बारीक काट के ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, बीन्स, मटर और ब्रोकली का यूज़ किया है, गाजर का यूज़ किया है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसका यूज़ किया है। पानी ऐड करने के लिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड कीजिए ताकि सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी बन के आती है। और बस आप 3-4 सीटी ले लीजिए और देखिए आपका डिलीशियस सूप तैयार है। किनोवा की जगह आप यहाँ पर ओट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, दलिया का भी उपयोग कर सकते हैं और ये जो सूप बन के रेडी होता है इससे पेट भरने में जितने भी लोग जैसे लाइट
डाइट पे रहना चाहते हैं, जिसे हम लोग जब कहते हैं ना दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, उसमें ही आप इस सूप को भी ऐड कर सकते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, डाइट मैनेजमेंट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हेल्दी बने रहने के लिए भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होता है। यहाँ पर मैं कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक बनाना बता रही हूँ जो हम लोग इंस्टेंट बना सकते हैं। यहाँ पर आंवला ड्रिंक सबसे पहले मैं बता रही हूँ। आंवला ड्रिंक बनाने के लिए मैं मोदी केयर का 20 ml आंवला जूस को ले रही हूँ, जो कि एकदम प्योर है, और इसमें जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक, बस इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद ये हमारी आंवला ड्रिंक रेडी है, जिसे खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं और उसके आधा घंटे बाद तक हम लोगों को कुछ नहीं लेना है। फिर जलजीरा बना सकते हैं। इसमें नींबू मैं ले रही हूँ, जितने लोगों के लिए हमें ज़रूरत है उतना नींबू ले रही हूँ। काला नमक डाल रही हूँ, पुदीना पाउडर डाल रही हूँ, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, बस अब मैं मिक्स कर दे रही हूँ। ये जलजीरा हमारा रेडी है, जो कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसी को ही अगर मुझे प्रोटीन ड्रिंक में कन्वर्ट करना है और टमी फिलर बनाना है, तो मोदी केयर का मैं ये प्लांट प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 80% प्रोटीन होता है। बस इसको मैं मिक्स करूँगी, और प्लांट प्रोटीन होने की वजह से ये किसी तरीके के भी लम्स क्रिएट नहीं करता है, आसानी से घुल जाता है, और ये टेस्टी प्रोटीन का जलजीरा रेडी हो गया है। इसके बाद हम लोग बनाना शेक बना सकते हैं प्रोटीन के साथ में। इसके लिए हम एक बनाना मैं ले रही हूँ, एक सिंगल पर्सन के लिए बना रही हूँ, और उसमें एक चम्मच प्लांट प्रोटीन का डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला रही हूँ, थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला रही हूँ, पानी डाल रही हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इन सभी को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरा एक ग्लास प्रोटीन बनाना शेक रेडी है, जो कि काफ़ी टमी फिलर होता है, और जो लोग दूध नहीं पी रहे हैं वो प्रोटीन बनाना शेक भी पी सकते हैं। इसके बाद इंस्टेंट ठंडाई बनाई जा सकती है। ठंडाई बनाने के लिए मैं एक ग्लास ही बना रही हूँ। मैं थोड़े से बादाम, 4 बादाम करीब मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसके बाद इसमें मैं एक ग्लास मिल्क के अंदर ये बादाम डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा छोटी इलायची का जो पाउडर मैंने बनाया है वो डाल रही हूँ। इन सबको आपस में मिक्स कर दिया। देखिए रेडीमेड हमारी ठंडाई रेडी हो गई। तो इस तरीके से आप बटर मिल्क भी बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास किचन में ये स्पाइसेस रेडी हैं, तो कितनी आसानी से कितनी सारी जो ड्रिंक्स हैं ये बनाई जा सकती हैं। ये स्पाइस रैक मुझे इंस्टेंट हेल्दी एनर्जी ड्रिंक बनाने में, इंस्टेंट स्नैक्स बनाने में, या किसी भी खाने में टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या बना के रख सकते हैं। यहाँ मैं जीरा पाउडर ज़रूर करके रखती हूँ। जीरा पाउडर हमारे लिक्विड ड्रिंक्स में, स्नैक्स के ऊपर डाल के खाने में काफ़ी टेस्ट एनहेंस करता है। उसके बाद पीली सरसों और काली सरसों, इन दोनों को मैं पीस के रखती हूँ। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये इंस्टेंट अचार जितने भी मौसम वाले होते हैं, लौकी, गाजर, मूली, सेम का अचार, मिर्च का अचार, जो कि हम लोग 4-5 दिन के अंदर यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उनमें बनाने में बहुत काम आते हैं, और वैसे भी जो लॉन्ग टर्म के लिए अचार डालना चाहे उसमें भी काम आते हैं। इसके बाद पीसी सौंफ मैं करके रखती हूँ। इससे जितनी भी स्टफिंग होने वाली सब्जियाँ हैं, जैसे करेला है या और भी स्टफ पराठे हैं, इसमें यूज़ हो जाता है। समोसे का आलू बनाने में यूज़ हो जाता है, बेड़ई बनाने में यूज़ हो जाता है। तो जहाँ भी आप सौंफ का यूज़ करते हैं, तो पीसी सौंफ बहुत काम आती है। इसके बाद चिली फ्लेक्स, चिली को पीस के ज़रूर रखती हूँ, जो पास्ते के ऊपर डालने में, या साबूदाना बड़ा बना रहे हैं, मूंग दाल के चीले ढोकले, या बहुत सारे किचन के ऐसे आइटम जहाँ आप चिली को डाल के अपना स्वाद बढ़ाना चाहें, वहाँ ये काम आ जाती है। इसके बाद पीसी इलायची, ये हमारे चाय में, दूध की ठंडाई बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में बहुत काम आ जाती है। इसके बाद लिक्विड ड्रिंक की जान हमारी पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर के लिए पुदीना की पत्तियों को आप अच्छी तरह निकाल लीजिए और धो के फिर इन्हें फ्रिज के किसी बैग में सुखाने के लिए आप धूप में रख दीजिए। धूप में 1 से 2 दिन के अंदर ये सूख जाती हैं, और उसके बाद इन्हें आप पाउडर कर लीजिए, और पाउडर जब आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल हरा पाउडर आपको मिलेगा, किसी भी तरीके की गंदगी इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने वॉश किया है और बैग के अंदर इसको सुखाया है, और ये काफ़ी ग्रीन रहता है, काफ़ी सुगंधित रहता है, और ऐसा ही अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर ये ड्रिंकों में लेके आता है। इसी तरह आप कड़ी पत्ते की पत्तियों को भी आप पत्तियाँ निकाल के उन्हें वॉश करके धूप में सुखाएंगे, सुखाने के बाद पाउडर करके रखेंगे, तो बहुत सारे डिशेज़ जहाँ कड़ी पत्ता यूज़ होता है वहाँ ये काम आ जाता है।
पर्पज़ स्पाइस रैक को मैं वीकली बेसिस पे टॉप अप करती हूँ और रेडी करके रखती हूँ, और हमारा मन लग जाता है काम करने में। अरे कोई चीज़ रेडी है तो चलो, बनाने में समय नहीं लगना है तो हम झट से बना के पी लेते हैं, पूरे परिवार को भी पिला पाते हैं।